सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इन चारों से विवाद मत करो। पहला मूर्खों से, दूसरा पागल से, तीसरा गुरु से और चौथा माता पिता से। इन चारों से शर्म नहीं करना। पहला पुराने कपड़ों से, दूसरा गरीब साथियों से, तीसरा बूढ़े माँ बाप से और चौथा सादे रहन सहन से। पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसीलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। माँ बाप का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है। आज का पंचांग 7 नवंबर 2021 दिन रविवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, शाम 4:22 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 9:04 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:18 से 5:41 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर रात्रि 9:04 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 7 नवंबर 2021 दिन रविवार, आपको आज बहुत सारी चीजों से जुड़े अपने वादों को निभाना है। अपनी सामाजिक वित्तीय तथा निजी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहें। आपके परिजनों दोस्तों और सहकर्मियों सभी को आपसे मदद की अपेक्षा रहेगी और आप इस दबाव को सह पाने में बिल्कुल समर्थ हैं। आज अपने शब्दों और कामों दोनों ही तरीकों से लोगों की मदद करेंगी। आज समय मिश्रित फलदायक है परंतु दिन की शुरुआत बेहतरीन रहेगी, इसलिए अपनी महत्वपूर्ण कार्यों पर विशेष ध्यान दें। किसी लक्ष्य की प्राप्ति में भाइयों का प्रयोग सहयोग प्राप्त होगा। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की रुचि बनी रहेगी। केवल एक ही बात पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से असंतुलन हो सकता है। जरूरत से अधिक पैसा खर्च करने से बचें। किसी व्यक्ति की अपेक्षाओं को पूरा करते समय अपनी क्षमताओं के बारे में जरूर विचार करें, उसके अनुसार ही काम करें। काम से जुड़े प्रश्न वक्त के साथ सुलझने लगेंगे। पार्टनर में अहंकार बढ़ने की आशंका बन रही है। बातचीत करते समय योग्य शब्दों का प्रयोग करें। पेट संबंधित इन्फेक्शन भी हो सकता है, ध्यान रखें। सफलता मिल तो सकते है किंतु टुकड़ों टुकड़ों में। पुराने इष्ट मित्र से भेंट हो सकती है, खून संबंधित बीमारी दुखी कर सकती है। सावधानियां, दोपहर बाद स्थिति कुछ बदल सकती है। ऐसा लगेगा जैसे परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही है, परंतु धैर्य और संयम से आप समस्या को काबू में कर लेंगे। घर परिवार के कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण स्वयं पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच रोमांटिक संबंध रहेंगे। मित्रों से मेल मुलाकात दिन भर के तनाव से राहत प्रदान। आपका करीबी दोस्त आज अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। यह मौखिक नहीं बल्कि क्रियाकलापों के माध्यम से होगा। यह बहुत ही सूक्ष्म हो सकता है, ऐसी बातों के प्रति सचेत रहें। यह दोस्ती प्यार में बदल जाए तुरंत प्रतिबंध ना हो। यह एक मुंह हो सकता है, इसलिए और संकेतों की थोड़ी प्रतीक्षा करें। बात करते हैं करियर की। आज के दिन अपने विरोधियों को आमंत्रित करने एवं अपने बुनियादी ढांचे और अपनी ताकत को दिखाने का एक सही दिन है। इसकी वजह से आपके धूर विरोधी बोली से पहले ही हार जाएंगे या किसी परियोजना पर आप अपने हस्तक्षेप कर पाएंगे जो कि आपके व्यवसाय को आगे की ओर ले जाएगा। उच्च प्रतिष्ठा वाला पद आपको प्रदान होगा जो कि आपकी ताकत और धन में वृद्धि करेगा। व्यवसाय संबंधित मामलों में बदलाव लाने की जरूरत होगी, जिन्हें आप बहुत समझदारी से
जिन्हें आप बहुत समझदारी से सुलझा लेंगे। मेहनत जल्द ही उन्हें अपने लक्ष्य के निकट ले जाएगी। बात करते हैं सेहत की। इससे पहले कि आप खुद पर अपने नए एक्सरसाइज कार्यक्रम या डाइट को लेकर अधिक सख्ती बरतें, पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जो आप अपने करने जा रहे हैं वह आपके लिए जरूरी भी है या नहीं। हो सकता है कि किसी और के तय किए हुए पैमाने के अनुसार कार्य करना आपके लिए फायदेमंद साबित ना हो। अब समय आ गया है कि आप किसी के कहने पर चलने की बजाय आप खुद अपनी जरूरतों और अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए अपना कार्यक्रम बनाएं। आज का उपाय, आज अब सूर्य देव को जल से धैर्य दे, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।